और किसके पास जाते थे बाबू? मेरे भाई, उनके बदबू आती है, बदबू आती है, ड्रामे सबके आते हैं, दीवारों पर भी पड़ गई हैं, दिखाई देती है, पंजे भी छुप जाते हैं। माँ जाने से थोड़ा टाइप में आने लगा है, उसको मोस्टली लगता है मुझे, शरीर से खून भी रहता है, वो दिखाती है। तीन से छः महीने से ज़्यादा हो रहा है, माँ बता रही है बेटा चीज आई हुई है, बच्चों पे भी असर होता है। पति भी वो चले गए, सास ससुर चले गए, दो साल में पूरा घर पर बाहर हो गए, और मेरे और मेरे दो बच्चे हैं। माँ बाबा जी भी खा रही है, बच्चों पे भी असर रहता है, चिड़चिड़े रहते हैं, बीमार रहते हैं, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। बबीता जी पता नहीं क्यों करे कराओ, बाहर का खाना बंद कराओ, पेट भी दूर बोल के लिए आई थी, वर्दी जमाई की, आगे क्या है बोल, है कर्जा चढ़ा हुआ माँ से, कहाँ से आया बिल आयो, नाम बताओ बेटा, सुभाष, पिताजी का नाम बाबू, भूपाल सिंह, भूपाल सिंह, भूपाल सिंह, गाँव पुराना, गाँव में मुत्रा हम गैरो गा, गमला वाला गा। आपका नाम क्या बेटा? और पति का नाम? सुभाष। क्या काम है बेटा तुम्हारा? सरकारी जॉब मीडिया का किसी से थोड़ा करके नंबर कहाँ लगाए थे और क्यों लगाए थे नंबर? नंबर नहीं लगाए थे, माँ भगवत जी बता रही है नंबर लगे हुए कैसे, किसकी नाम से पता नहीं, समझ नहीं आ रहा। इतनी अच्छी तेरी जॉब है फिर भी तू ये सब कर रहा है, क्या फायदा बेटा, क्यों घर उजाड़ रहा है अपना? माइके बंद करवाओ, कल करके तेरी जो जगह दबा के हाजिर करो, कर चल करती हूँ तेरा काम, ठीक है बेटा? कोई परेशानी है बस समझ ना, तो थोड़ा देख लेना बच्चे की, बहुत भर दी बेटा मैंने, बाकी दीदी समझाएंगे, समझ आओ बेटा, आ गया चला गया।